हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इट लुकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन चलिए देखिए क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर ही जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ साथ जो है मैक्सिमम इनमा को मिलाया हुआ क्वेश्चन है ओके okay, क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन द इक्वेशन कॉस एक्स माइनस वन इंटू कॉस पी माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कॉस पी इंटू एक्स प्लस साइन पी इक्वल टू जीरो इन द वेरिएबल एक्स हैज रियल रूट्स ओके देन पी कैन टेक द वैल्यू ऑफ द इंटरवल तो कुल मिलाकर के कह रहा है कि अगर इस इक्वेशन के रियल रूट्स हैं ये जो इक्वेशन है इसके जो एक्स की वैल्यूज़ आ रही हैं वो रियल है तो आपको पी का इंटरवल बताना है ठीक ना तो पी का इंटरवल बताना है हिंदी में थोड़ा सा गलत है निम्न में से पी के अंतराल में से मान प्राप्त करेगा ये लिखना चाहिए अब आइए देखिए क्या कंडीशन है तो सबसे पहले अपन ने इक्वेशन ले लिया ये अपने पास में इक्वेशन है ओके अब देखिए क्या कंडीशन होती है एक ग्रेटर रूट्स की ग्रेटर रूट्स की कंडीशन होती है डी इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो तो d ग्रेटर और इक्वल टू जीरो तो बी स्क्वायर माइनस फोर इसी लगाए कॉस पी स्क्वायर माइनस फोर कॉस पी माइनस वन इंटू साइन पी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो तो कॉस स्क्वायर पी माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस मैंने कॉमन ले लिया फोर कॉस पी प्लस वन फोर सॉरी फोर वन माइनस कॉस पी इंटू साइन पी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो कॉस स्क्वायर पी प्लस फोर का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे फोर साइन पी माइनस फोर साइन पी कॉसपी कर दें जीरो कॉस स्क्वायर पी माइनस फोर साइन पी कॉस पी प्लस फोर साइन पी जीरो अब ध्यान से देखिए ये जो इक्वेशन बन रही ना ये जो इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है देखिए किस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कॉस पी में क्योंकि कॉस पी यहाँ पे बैठा हुआ है और यदि हम यहाँ पे देखें कॉस पी बैठा हुआ है कॉस पी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है हमें और कॉस पी जो है ये ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है अगर मैं कॉस पी को टी ले लेता हूँ तो कॉस पी को टी लेने पर यह मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी टी स्क्वायर माइनस फोर साइन पी इंटू टी प्लस फोर इक्वेशन मेरे पास बन गई अगर आप यहां पर कॉसपी को टी रख दीजिए थोड़ी देर के लिए तो देखिए क्या हो रहा है कॉस्पी को अगर आप टी रख देते हैं तो तो कॉस्पी को टी रख देते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस फोर साइन पी इंटू टी प्लस फोर साइन पी एक ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो पहली चीज तो यह है कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए तब ये रियल रूट्स रखेगा ओके रियल रूट्स ये रखेगा अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो दूसरी बात इस पे आइए देखिए अब इसकी वैल्यू आप किसी भी पॉइंट पर चेक कर लीजिए इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो आ रही है इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन क्या आ रही है जीरो आ रही है और ग्रेटर देन जीरो इसकी वैल्यू आ रही है और हर मोमेंट पे वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आने की शर्त क्या होती है एक चीज देखिए अगर इसकी वैल्यू हर मोमेंट पे ग्रेटर देन जीरो आ रही है मतलब ये खुद में इक्वेशन है और कॉस्ट पी की किन वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगी जबकि ये इक्वेशन जो होगा इस इक्वेशन का डी जो होगा लेस देन जीरो होगा अगर डी लेस देन जीरो हुआ तो ये इक्वेशन कभी भी रियल एक्सिस को टच नहीं करेगा ओके okay? तो d लेस देन जीरो यदि हो जाएगा तो ये इक्वेशन कभी भी लेस देन जीरो नहीं करेगा और cos p की हर वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू जो होगी cos p की हर वैल्यू के लिए या t की हर वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी अगर d लेस देन जीरो होता है तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एफ एक्स मान लो उसको दैट इज ग्रेटर देन जीरो डी लेस देन जीरो होता है और न, ए ग्रेटर देन जीरो होता है तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है रियल एक्सेस के ऊपर चलता है बड़ी कॉम्प्लेक्स थ्योरी लगी हुई यहाँ पे दो तीन तो जो जिनके कंसेप्ट क्लियर है उनको ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं तो दिक्कत हो रही होगी तो देखिए यहाँ पे d लेस देन जीरो होना चाहिए तो d मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए तो b का स्क्वायर माइनस फोर साइन पी का होल स्क्वायर माइनस सिक्सटीन साइन पी शुड भी लेस देन जीरो ओके अब यहाँ पे आप इक्वल नहीं लगा सकते हैं क्योंकि लेस देन जीरो पे ही इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं इसके और इसके इमेजनरी मिलेंगे मतलब ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा चेंज जुड़ी हुई है सिक्सटीन साइन स्क्वायर पी माइनस सिक्सटीन साइन पी लेस देन जीरो सिक्सटीन साइन पी कॉमन ले लिया साइन पी माइनस वन लेस देन ज़ीरो ओके तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे अब इसके आगे देखो कैसे सॉल्व होगा ये तो सिक्सटीन साइन पी साइन पी माइनस वन इक्वल टू जीरो तो सिक्सटीन जीरो के नीचे चला गया यहाँ पे सिक्सटीन को एलिमिनेट कर दो आप यहाँ से यानी साइन पी इक्वल टू जीरो एंड साइन पी इक्वल टू वन तो पी इक्वल टू जीरो मिल गया एंड पी इक्वल टू पाई बाई टू मिल गया है तो हमको क्या चाहिए लेस देन जीरो तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव यहाँ पे ये यह पॉजिटिव तो वीवी स् मेथड से जो पी का डोमेन आ रहा है मतलब पी जहाँ लाई कर रहा है वो क्या है इज़ बिटवीन ज़ीरो टू पाए बाई टू सो दिस इज योर आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं देखिए कह रहा है ये क्वेश्चन जो है जेई एग्जाम का है ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो दो इक्वेशन हमारे पास दिए गए पहला इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो तो इसको सिंप्लीफाई कर लूँ मैं तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर नहीं क्या सिंप्लीफाई करना ठीक लिखा हुआ है ओके okay? और दूसरा इसका जो पार्ट है वो लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो तो दो हमारे पास इक्वेशन दिए गए कह रहा हैव कॉमन रूट और कह रहा बी की वैल्यू सी के इक्वल नहीं है मतलब ये दोनों कॉन्स्टेंट जो हैं अलग अलग हैं इसमें बी जो है वो सी के इक्वल नहीं है कह रहा the है कॉमन रूट रूट देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस फोर बी प्लस फोर सी कह रहा कि इसमें कॉमन रूट नहीं एक कॉमन रूट है तो आप क्या करिए ऑब्जर्वेशन से इसमें कुछ कॉमन रूट मानना है आपको और ए प्लस फोर बी प्लस फोर सी ले के आना है तो देखिए यहाँ पे ये यह दिख रहा है कि फोर बी बनाने के लिए हमारे पास एक्स इक्वल टू वन बाई टू होगा तो एल सी एम में जाके फोर बी बन जाएगा और यहाँ पे भी वन बाई टू होगा तो फोर बी बन जाएगा तो ऑब्जर्वेशन से हम यहाँ पे एक्स इक्वल टू वन बाई टू ट्रे पुट करते हैं है ना तो पुट करते हैं तो क्या हो रहा है देखिए हमारे पास यदि हम एक्स इक्वल टू वन बाई टू पुट करते हैं तो हमारा जो पहला इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा वो हमारे पास बन जाएगा वन बाई टू पुट करेंगे तो वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर ही हो जाएगा ओके okay, okay. तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना ए बाई फोर प्लस टू इन सी इंटू वन बाई टू मतलब सी बन गया और प्लस बी इक्वल टू जीरो जिसको हम सिंप चलिए ये हो गया पहला ये बन गया अपने पास इक्वेशन नंबर ए मान लो इसको और अब आप जो है एक्स इक्वल टू वन बाई टू जो है सेकेंड में पुट कर दो देखो कितना हो जाएगा ये भी हो जाएगा ए बाई फोर प्लस टू बी इन वन बाई टू मतलब कि कितना हो गया कि ये हो गया अपने पास टू से टू कैंसिल बी और प्लस का सी इक्वल टू ज़ीरो बी बीक्वेशन इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 4, 4, plus, ए बाई फोर प्लस ए बाई फोर दैट इज इक्वल टू टू ए बाई फोर प्लस ये हो जाएगा टू बी और ये हो जाएगा टू सी इक्वल टू ज़ीरो सो टू यहाँ से कैंसल हो गया तो ए प्लस फोर बी प्लस फोर सी अपॉन टू इक्वल्स टू ज़ीरो सिंप्लीफाई करने पर ए प्लस फोर बी प्लस फोर सी इक्वल टू जीरो तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी नन ऑफ दीज